हेलो बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ठीक होंगे। और गर्मी में आप अपने आप को बचा के रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लगता है इंद्रदेव नाराज है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो थोड़ा पढ़ो तो बारिश होगी। तो आइए, आज का टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स 8वें दिन का कोर्स है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स जो बताएंगे। इसमें आपका कैन है, कैन का मतलब सकना होता है, कुड मीन्स सकता है, ये आपका अगर पहले होता है, ये बाद में यूज होता है। मे मीन्स सकना, इसी का जो बाद वाला यूज होता है। माइट मतलब हो सकता है, मस्ट मीन्स जरूर, आउट मीन्स चाहिए, और शुड मतलब चाहिए, और वुड मतलब चाहेंगे या चाहिए, ये भी होता है। ठीक, तो इस पे अलग अलग पार्ट पे आपका एक एक टॉपिक बताया जाएगा। पहले हम बताते हैं सकना कैन, इसको कहते हैं, आपने सुना भी होगा अक्सर ऐसा। तो रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? तो रजनी, अब क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा कैन। तो कैन यू प्ले सितार, सितार मतलब सितारे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शशि, शशि कहती है हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। तो शशि, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, जो गांव में बच्चे लेके यहाँ पे रख के बड़े आराम से बजाते हैं। ठीक है, जो कृष्ण जी अपने समय बजाते थे। तो रजनी, रजनी कहती है क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? तो रजनी, अब क्या से हुआ, फिर कहने लगेगा कैन यू रिटर्न माई बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, बस खाली आप इसका यूज जान लो कैन का, बाकी आप जान जाओगे सारी चीजें। शशि, शशि कहती है नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। तो शशि, नो आई कैन नॉट रिटर्न देम येट। ठीक, फिर शशि कहती है, रजनी कहती है क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? तो रजनी, अब क्या से शुरू हुआ इसलिए कैन पहले लगेगा, कैन यू रीड संस्कृत, क्वेश्चन मार्क लगेगा। शशि, शशि कहती है हाँ। तो शशि, यस आई कैन। बच्चों अब इसके आगे आइए, बताएं हम सेकेंड पे है आपका मे मतलब यहाँ पे आज्ञा से मतलब होता है, या आग्रह करने का मतलब होता है। ठीक है, मतलब आप कोई काम है तो थोड़ा सा पूछ के करोगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, छात्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो स्टूडेंट, अब क्या लगा है इसलिए आप मैं का यूज पढ़ रहे हैं, पहले सबसे मैं रखेंगे, आई कम इन सर। अब अंदर आने के लिए कहोगे तो कोई सीनियर रहेगा, उसी से पूछोगे। इसके बाद है अध्यापक, अध्यापक हाँ आओ, यस यू मे। तो टीचर, यस यू मे आप आ सकते हो। ठीक है, फिर छात्र स्टूडेंट कहता है क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो स्टूडेंट, अब क्या है इसलिए मे लगेगा, मे आई अटेंड बाल सभा सर। बाल सभा मतलब जहाँ बच्चों की बैठक की गई हो वहीं की बात की जा रही है। अध्यापक हाँ बड़ी खुशी से। तो टीचर, यस विथ ग्रेट प्लीजर, मतलब बड़ी खुशी के साथ, या ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में। ठीक है, छात्र स्टूडेंट कहता है क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? ये स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे कि हर वाक्य में क्या किया जा रहा है, आज्ञा मांगा जा रहा है, तो मैं इसीलिए ज्यादा यूज हो रहा है, यही ध्यान देना है आपको। तो स्टूडेंट, सर मे आई एकम्पनी सुरेश? ठीक है, अध्यापक टीचर कहते हैं नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। ये आपका आज हो गया कैन और मे। कल जो आएगा इसका पार्ट सेकेंड 8वें दिन का आएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इसके आगे का। तो इसलिए तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसको याद करिए, नोट जरूर बनाते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो।